ये है चाहते में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में अहाना, बलराज, इवन खुद प्रशा ने भी कभी नहीं सोचा होगा। एक तरफ तो युवराज के चलते प्रशा पर जितने भी गलत इल्ज़ाम लगाए थे रुद्राक्ष ने, उसकी गिल्ट से वो नहीं निकल पा रहा है, और दूसरी तरफ प्रशा को अपने प्यार का इजहार करते नहीं थक रहा है रुद्राक्ष। और ये बात देखकर प्रशा एक तरफ तो है हैरान और दूसरी तरफ मन ही मन काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो रही है कि प्रशा के बारे में रुद्र क्या सोचता है। अब सब कुछ साफ हो चुका है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि रुद्र प्रशा दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहां पर रूम में प्रशा को अकेला देखकर रुद्राक्ष एक बार फिर से कॉर्नर कर लेता है। और दोनों के घर जाते ही रुद्र फिर प्रशा से ये पूछता आता है नजर कि बताओ प्रशा, तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। प्रशा युवराज रुद्राक्ष से अपना हाथ छुड़ा करके जाने लगती है और अपने ही मन सोचती है कि इतनी जल्दी जवाब नहीं मिलेगा रॉकस्टार, अभी तो तुम्हें और तड़पना है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रशा को मनाने के लिए रुद्राक्ष को लगता है कि उसने उसके साथ जितनी भी घटिया हरकत की है उसका प्रायश्चित करना उसका फर्ज है, और इसीलिए वो पूरी फैमिली के सामने प्रशा को लाता है और सबके सामने कहता है अगर मर्द कैरेक्टर का अच्छा हो तो सब लोग उसके पैर छूते हैं, उसको पूछते हैं, उसे एक अच्छा इंसान बोलते हैं, लेकिन अगर पत्नी तुम्हारे जैसी हो प्रशा तो इंसान को ज़रूर पूछना चाहिए। यह कहकर रुद्राक्ष अपने घुटनों पर बैठकर प्रशा के पैरों में झुक जाता है और अपने हाथों से प्रशा के पैर छूता है। रुद्र का इतना अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर देखकर अहाना, वहाँ खड़ी शारदा और उसका पापा और इवन रुद्राक्ष के सास ससुर हर कोई काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जैसे ही रुद्र प्रशा के पैरों को छूता है माफ़ी मांगने के लिए, प्रशा खुद इमोशनल होकर काफ़ी ज़्यादा खुशी से शॉक्ड हो जाती है। अब ऐसे में देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या प्रशा इस स्टेप के बाद रुद्राक्ष को माफ़ कर देगी, क्या अपने दिल की बात आई लव यू टू उसको कह देगी, या फिर और वक्त लगाएगी। ये देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग।